आजकल के जमाने में हम अपने आप से कैसे दूर हो गए, मतलब हम एक कुछ खोए खोए से रहते हैं, जैसे हमें समझ ही नहीं आता कि हमको चाहिए क्या। जो हमको मिल रहा है उससे हम सेटिस्फाई नहीं है, और जो है वो क्यों है, कितना है, मतलब कुछ अलग ही स्टेट ऑफ माइंड में आजकल हम सब रहते हैं। तो ऐसा कैसे हो गया, क्यों हो गया, और इससे बचने का क्या उपाय है? सबसे पहले आपने जो प्रश्न पूछा, अपने आप से दूर हो गए हैं। अपना आप क्या है? अपना आप है अपना रूप, अपनी स्थिति, अपनी वास्तविकता। अपनी वास्तविकता क्या है? अपनी वास्तविकता है मैं आत्मा हूँ। ये वास्तविकता है, ये सत्य है, और ये सनातन सत्य है। दूर हो गए हैं ये तो जाहिर है, इसका केवल एक कारण है, भौतिकता। हाँ, ये सच है, हमने शरीर लिया है, हम भौतिक शरीर में हैं, लेकिन भौतिक शरीर होते हुए हम आत्मा हैं ये भूल गए हैं जी। हम भौतिक शरीर हैं, पहले जब हम अपने इसी सत्य को जान लेते हैं, और पहले कहते हैं पहले का ज़माना, सब बड़े बात करेंगे, पहले का ज़माना, पहले भारत में इतनी, मतलब कि इतना रिच होता था हमारा भारत, ऋषि मुनि, हम ये भी देखते थे ऋषि मुनियों ने शादियाँ की, ऋषि पत्नियाँ होती थी, आपस में एक ग्रस्त जीवन व्यतीत करते थे, ग्रस्त जीवन का पालन करते हुए भी बहुत आनंदित रहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये बीच का काल अगर हम देखते हैं, यहाँ भौतिकता इतनी ज़्यादा हम पे हावी हो गई, एक चकाचौंध, एक जिसे कहते हैं कि भाग दौड़, तुलना, ये जब से जीवन में आया हम अपनी स्व से, अपने आप से दूर हो गए हैं। अब वापस लाने के लिए क्या किया जाए, जैसे आपने बोला कि इसका उपाय क्या है जी, ये चीज़ तो नज़र आ रही है, दूर हो गए हैं, सब दूर हो गए हैं, चाहे युवा पीढ़ी है, चाहे बच्चे हैं, चाहे वृद्ध हैं, लेकिन अब इसको वापस कैसे लाया जाए, तो पुनः एक यू टर्न लिया जाए। अगर मैं बात करना चाहूँगी कि हमारे वेदों में अगर हम पुरानी अपनी रीतियाँ देखते हैं, तो जीवन को अगर 100 वर्ष का मानते थे, शतायु, हम आशीर्वाद भी देते थे शतायु भव, आप 100 साल के हों, तो ये हमारा एक चलन होता था कि व्यक्ति की कम से कम आयु 100 वर्ष की हो, और उसको कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, इतना समय आपका ब्रह्मचर्य में होगा, ग्रस्त में होगा, वानप्रस्थ होगा, संन्यास होगा। तो एक तरह की व्यक्ति को ये होता था इतने वर्ष मुझे ऐसे निभाने, लेकिन आज की भौतिकता में वो भी सब चला गया है, ना बचपन की कोई उम्र रही है, ना पढ़ाई लिखाई की, ना विवाह की, ना संन्यास की। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एक, अगर हम वही चीज़ चाहते हैं, अपना आप, अपना मैं, अपनी वो स्थिति, तो हमें ध्यान की तरफ आना चाहिए, हमें स्वयं को जानने के लिए उस योग परंपरा के साथ जुड़ना चाहिए। योग तो कहीं ना कहीं योग आ जाता है स्वयं से योग। ओके, योग का मतलब आप वो एक्सरसाइज वाली योग से बात नहीं कर रही हैं? ओके, मैं किसी योग से बात नहीं कर रही हूँ, मैं इस वक्त कोई योग की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर हम योग को देखते हैं, अगर हम गीता को देखते हैं, बहुत योग आ जाएंगे, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, सांख्य योग, हठ योग, बहुत सारे। अब मैं बोल रही हूँ केवल स्वयोग, अपने से जुड़ जाओ। ओके, क्योंकि अपने से ही दूर हुए हैं हम, दूर किससे हुए, अपने आप से, अपने आप से दूर हुए हैं, तो इसकी बिगनिंग करते हैं, अपने आप से ही जुड़ते हैं। और जैसे अपने आप से जुड़ जाएंगे, वो जो मेरा अपना है, जो मेरा निज है, और निज क्या है, मेरा निज आनंद, सहजानंद, परमानंद, जो मुझे पहले से प्राप्त है, कुछ लाना नहीं है, कुछ पाना भी नहीं है, वो जो मेरा एक कहीं खो गया है, एक जिसे कहते हैं लेयर आ गया है, एक पर्दा आ गया है, आवरण आ गया है, उसको जैसे ही वो हटेगा, आवरण के हटते ही आपको अपना रूप, अपना अक्स पुनः वैसा ही नजर आएगा, और आप देखेंगे मैं कितना दिव्य हूँ, मैं कितना सुंदर हूँ, मैं कितना आनंद में हूँ, ये मैं हूँ। वंडरफुल मैडम, आपने तो मतलब आज एक नए योग के विषय में भी बताया, स्वयोग। मतलब हमें बहुत सारे योग, एक तो सबसे पहले हमें वो योग वही पता है जो हमारे पार्क में करवाते हैं, और सब बहुत से लोग करवा रहे हैं हमारे को, हम देखते भी हैं, पर ये योग नहीं पता था कि जिस दिन मुझे स्वयोग आ जाएगा, मैं अपने आप से खुद ही जुड़ जाऊंगी। एक अगर हम अगर ब्रह्मऋषि पितामह पत्री जी का एक सुनते हैं, उसमें बात, उन्होंने एक शब्द बोलते हैं स्वस्वरूपानुसंधान, आप अपने ही रूप का अनुसंधान करो। स्वस्वरूपानुसंधान, क्योंकि भक्ति हमेशा ड्वालिटी है, भक्ति ड्वालिटी है, भक्ति दूसरे की कर रहे हो,
आप भक्ति दूसरे की कर रहे हो, पर पूजा कर रहे हो, पर कर रहे हो, लेकिन अब आप अपने आप को अपने शरीर में होते हुए अपने आप को शरीर से भी परे हटाकर देखो। मतलब मैं शरीर नहीं हूँ, मैं हूँ ही शरीर में, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। तो जब मैं शरीर को भी पर करके देखने लगूंगा तब मैं अपने पास और करीब आ जाऊंगा। शरीर भी पर है, मैंने धारण किया, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। मतलब बहुत ही गूढ़ता है इसके अंदर कि हम अपने आप से दूर क्यों हो गए, क्योंकि अपनी आत्मा को हम पहचान नहीं पाए, हम उससे दूर हो गए। जिस दिन उससे जुड़ जाएंगे तो स्व से जुड़ जाएंगे और अपने 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 आप अपने करीब आ जाएंगे। यहाँ पे एक बात और बताना चाहती हूँ विभा, अगर हम देखते हैं स्त्री को देखते हैं, पुरुष को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, इसके पीछे मैं अपना ये अज्ञान तो कहूँगी, लेकिन इसके साथ साथ में मान्यताएँ, विश्वास, हमारे संस्कार सब ने काम किया है। अगर हम बचपन से बच्चे को एक ऐसी परवरिश देते हैं, क्योंकि आपने कहा किस तरीके से हम करीब भी ला सकते हैं, अगर हम बच्चे को बचपन में परवरिश के साथ उसकी वास्तविकता बता दें, अगर हम बच्चे को स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ ये भी बता दें कि आप कौन हो, अगर हम उसको ये ना बताएं कि बेटा आपको उससे ज़्यादा नंबर लेकर आने हैं, आपको ज़िंदगी का यही तरीका ना बताया जाए कि जब तक आपके सबसे अच्छे नंबर नहीं आ जाते आपको श्रेष्ठ बनना है, तो ये श्रेष्ठता की जो भाग दौड़ है जिसमें सबको बचपन से भगा दिया जाता है, एक दौड़ की जिसे कहते हैं भागो, हम भी भाग रहे हैं, तुम भी भागो। पेरेंट्स क्या बोलेंगे, हम भी भाग रहे हैं, फिर बोलेंगे हमारे भी तो, हमारे ज़माने में ऐसा होता था। तो मुझे लगता है ये जो परंपरा बन गई है हमारे ज़माने वाली, सो अगर हम ये देखते हैं कि हम ये जो दौड़ है, ये जो शुरू हुई ये दौड़ अगर हम देखते हैं, तो मुझे लगता है पिछले 100 वर्षों में ये बहुत तेज गति से ये दौड़ दौड़ी गई है, जिसमें बच्चे के जन्म के साथ ये बताया जाता है, जिस वक्त वो बच्चा, वो तो एक जिसे कहते हैं परमात्मा का रूप लेकर आया है, लेकिन जब उस बच्चे को उसके रूप से अलग किया जाता है, आपका नाम ये है, आपका ये घर है, आपका ये स्टेटस है, और फिर उस बच्चे को स्कूल में जाने के साथ साथ ये बताया जाता है आपको किसका अपना मित्र बनाना है, एक तरह से मुझे लगता है कि एक विभाजन कर दिया जाता है। उस बच्चे को अपने रूप से तो परिचित नहीं करवाया जाता, बल्कि उसको उसके रूप से और दूर कर दिया जाता है, और दूर कर दिया जाता है, उसको एक दौड़ दिखाई जाती है कि आपको वहाँ दौड़ना है, इतने नंबर लाने हैं, उससे अच्छा बनना है। इवन दूर दूसरे की बात क्या करें, भाई बहनों के बीच में भी ये किया जाता है, भाई बहनों के बीच में भी माता पिता देखें, देखा ना अपनी बड़ी बहन को, वो तुमसे कितनी अच्छी नंबर लेकर आती है। अब बच्चा अपने भाई बहन के प्रति जो मन में आदर, सम्मान, एकता थी, वो कहीं ना कहीं वो जो बीज, थोड़ा सा बीज अच्छा, आप उसको ज़्यादा प्यार करते हो। तो मुझे लगता है ये सारी की सारी, ये जो अपने से दूर जाना है, अपने से दूर, इसको मैं जितना विस्तार करना चाहूँ मैं इसका विस्तार कर सकती हूँ, क्योंकि संबंधों के संबंध में जब लोग प्रश्न पूछते हैं तो उसकी जड़ निकल कर आती है अपने आप से, अपने घर से, अपने माता पिता से।